हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा मा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
सभी लोग दोहराइए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, रामो रामो हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन नविता देवी विशाखा देवी श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, नृसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के तत्वावधान में ये जो रविवारी सत्संग और प्रीति भोज कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से कौन इस्कॉन के इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार भाग ले रहे हैं? बहुत अच्छा। तो ये जो रविवारी सत्संग और प्रीति भोज कार्यक्रम है, ये हर हफ्ते इस तरह से चलेगा, और क्योंकि आप पहली बार हैं तो
ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है ये श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद का विग्रह हमारे मंदिर प्रांगण में है। तो शिल प्रभुपाद जी ने आज से लगभग 50 साल पहले ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है इसकी स्थापना करी थी, और देश और विदेश में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस संघ से जुड़े हुए हैं। लगभग 1000 के आसपास इस्कॉन के केंद्र हैं। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, ये जो इस्कॉन संस्था है या इस तरह का जो ये, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस बारे में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है या हमारे जो शास्त्र हैं उसका, उसमें कितनी वैज्ञानिक बातें दी गई हैं और कितनी व्यवहारिक बातें दी गई हैं, ये हमको अभी देखने को मिल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं योग जैसे एक उदाहरण है या आयुर्वेद एक उदाहरण है, तो देखा जा रहा है कि केवल भारत के ही नहीं दुनिया भर के लोग जो हैं इस बात का लोहा मान रहे हैं कि जो शास्त्रों में दिया गया जैसे योग आसन वगैरह के बारे में, तो बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत व्यवहारिक है, हम उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं और उससे बहुत लाभ ले सकते हैं, ये जानकारी हमको मिल रही है। तो इस तरह से इस्कॉन का उद्देश्य है जो भगवद गीता है, भगवद गीता का ज्ञान उसका हम उसको समझ कैसे सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि वो वैज्ञानिक रूप से सही है, और कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में उसको लागू करके उसका पालन करके कैसे उससे फायदा ले सकते हैं, कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो ये इस्कॉन का उद्देश्य है। भगवत इस्कॉन जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है इसकी जो शिक्षाएं हैं भगवत गीता पर आधारित है। तो बोलने के लिए हम कह सकते हैं कि लगभग 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की, पर वास्तव में ये जो ज्ञान है जो इस्कॉन के माध्यम से हमको मिलेगा या मिल रहा है, ये जो ज्ञान है इसकी, ये 50 साल पुराना ज्ञान नहीं है। ये जो है जैसे भगवान भगवद गीता में अर्जुन से बोलते हैं, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये जो योग मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, जैसे हम योगासन के बारे में जानते हैं, तो इस तरह से ये जो योग मैं तुमको बताने जा रहा हूँ हे अर्जुन, ये मैंने सूर्यदेव को, उनका नाम विवस्वान है, सूर्यदेव को पहले बताया था। तो ये मतलब बहुत पुराना, स एव अयम मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः। तो ये जो मैं आपको ये जो ज्ञान अभी दे रहा हूँ ये पुरातन है, बहुत पुराना ज्ञान। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने कोई नई चीज़ आकर के हमको बताई है या कुछ नया अपनी अपने मन से कुछ नया बना कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है एक प्रामाणिक और प्राचीन ज्ञान है, क्योंकि नई कोई चीज़ है तो हो सकता है हमारे मन में संशय हो कि शायद सही ना हो, हो सकता है किसी व्यक्ति ने बनाया है ठीक ना हो। जैसे एक तरह का मोबाइल आता है, थोड़े समय के बाद दूसरा और एडवांस वर्जन उसका आ जाता है ना, तो बदलता रहता है, तो हमारे मन में संशय आ सकता है। पर जब हमको पता चलता है कि नहीं ये प्रामाणिक ज्ञान है, जो पहले से ही है, जो हमको अभी दिया जा रहा है, तो ये ज्ञान जो है भगवद गीता का ये हमको। तो अब हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि योग आसन के बारे में तो हम जानते हैं और हमको पता चला कि हम देख रहे हैं बहुत सारे रोगों का निवारण उसके माध्यम से हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कौन सा योग है और इस योग का मेरे जीवन में क्या महत्व है, इस योग को मैं क्यों सीखूं, ये प्रश्न हमारे मन में आ सकते। तो वास्तव में जो भगवद गीता का नाम तो घर घर में हमने सुना है, वास्तव में योग भी जो है ये शब्द घर घर में लोग जानते हैं और जानते थे, पर लेकिन इस पर हमारी श्रद्धा कब बढ़ी, जब हमने देखा कि विदेशों में भी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। योगा जब उसका नाम योग से योगा हुआ तब हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो इस तरह से जो योग है ये भगवद गीता में पहले से ही दिया हुआ है, पर ये जो योग है ये जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। जैसे बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं हमारे, एक 5 साल बाद जो लक्ष्य प्राप्त करना है, 10 साल बाद जो चीज प्राप्त करना है, पर मनुष्य जीवन का चरम या अंतिम लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योग है वो भगवद गीता में बताया गया। अंत काले तु मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो इस तरह से इसको हम और आगे चर्चा करेंगे, विषय वस्तु काफी व्यापक है, पर आपको एक इसकी प्रस्तावना देने के लिए,
तो भगवत गीता में इस योग की चर्चा की गई। जैसे जो योग आसन हम करते हैं वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए, पर क्या शरीर को स्वस्थ करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है? अगर जीवन का अंतिम लक्ष्य शरीर को स्वस्थ करना होता तो क्या होता, कोई भी व्यक्ति इस अंतिम लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि जीवन के अंत में क्या होता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्वस्थ होना किसी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की एक सीढ़ी है, पर वो अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य कुछ और है, पर स्वस्थ रहेंगे तो अंतिम लक्ष्य तक शायद पहुंच पाना आसान हो जाए। हाँ, इस तरह से। तो भगवत गीता में इस योग के बारे में चर्चा की गई और इस्कॉन के माध्यम से हम इस चीज को सीखने का प्रयास करें। तो भगवत गीता के बारे में अगर हम चर्चा शुरू करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवत गीता में, और ये सभी आचार्यों के द्वारा बताया गया है, कि भगवत गीता में मूलतः पांच विषय हैं। पांच तत्वों के माध्यम से भगवत गीता में पूरे संसार का जो ज्ञान है, हाँ, उसको, उसका सार दिया गया है, हाँ, उसको समेटा गया है। भगवत गीता के महत्व में बताया जाता है कि भगवत गीता में संसार में सारा ज्ञान जो है, सारे शास्त्रों में जो ज्ञान है वो सारा भगवत गीता में है, और जो ज्ञान बाकी सारे शास्त्रों में नहीं है वो भी भगवत गीता में है। इसका अर्थ क्या है कि केवल भगवत गीता का ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे, उसका अगर अनुशीलन करेंगे, उसको अपने व्यवहार में लाएंगे, तो सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है, जो उनमें है और जो उनमें नहीं है, वो सब भी हमको प्राप्त हो जाएगा, उसका भी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये पांच तत्व हैं वो क्या क्या हैं भगवत गीता के? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये, हाँ, ये शास्त्रों में क्या है, हमारे जो शास्त्र उसकी खासियत क्या है कि उसमें इस तरह के वक्तव्य नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, नहीं, ऐसा ही है। स एव अयम मया तेद्या, एव निश्चय ही, इस तरह के शब्द हमारे शास्त्रों में आते हैं। हाँ, निश्चय ही, कि ये जो बात है ये निश्चित रूप से सही है। हाँ, तो ये शास्त्रों क्या, ये इसकी खासियत है। हाँ, तो भगवत गीता में ये दावा है कि ये जो पांच तत्व हैं इसके अंदर संसार का सारा ज्ञान इसमें आ जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं है जानने के लिए। तो ये पांच तत्वों में से पहला तत्व क्या है, ईश्वर। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच तत्व हैं, और पांचों में से पहला कौन सा है, ईश्वर। तो आज का हमारा जो विषय है वो क्या है, भगवान का अस्तित्व। हाँ, कि क्या भगवान का अस्तित्व है? तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हम यहाँ मंदिर में आए हैं तो इसका मतलब यह कि हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है, या इसके बारे में चर्चा करने से लाभ क्या है? भगवत गीता में बताया गया है 16वें अध्याय में, द्वौ भूत सर्गौ इमं लोके, हाँ, दैव असुर एव च। ये संसार में सृष्टि की शुरुआत से केवल दो तरह के लोग होते हैं, दैव और असुर। दैव असुर एव च, केवल दो तरह के लोग हैं। कौन कौन से दो हैं? देव और असुर, दो ही संभावना है। हाँ, या तो भगवान को मानने वाला भगवान का भक्त, या असुर, सुर या असुर। हाँ, असुर के बारे में भगवान बताते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम। जो असुर हैं उनका मत क्या होता है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम। ये जो संसार है इसमें कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये किसका मत है, असुर का मत। हाँ, तो निश्चित रूप से क्योंकि आप मंदिर में आए हैं तो ये मानना ही चाहिए कि आप सभी भगवान के अस्तित्व विश्वास करते होंगे, तो असुर के श्रेणी में कोई भी यहाँ पर नहीं है। कौन कौन है यहाँ पे जो भगवान के अस्तित्व विश्वास नहीं करते, तो जाहिर सी, तो ये कोई खास चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि हम सभी भगवान के अस्तित्व विश्वास करते हैं, सभी दैव हैं, सभी भक्त हैं। हाँ, कोई भी असुर नहीं। पर लेकिन अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे, या कोई व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व विश्वास नहीं करता है, अगर वो हमसे पूछता है कि क्या भगवान के अस्तित्व को आप प्रमाणित कर सकते हैं, या किस आधार पर आप भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, तब हम क्या उसको सही तरह से समझा पाएंगे इस बात को?
ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अगर हम सही तरह से उस बात को नहीं समझा पाते हैं उस व्यक्ति को, तो क्या होगा, हम अंधविश्वासी व्यक्ति की तरह माने जाएंगे। नहीं, आप केवल आप बिना समझे किसी चीज को मान लेते हैं, आप अंधविश्वासी हैं, आप भावुक हैं, ऐसा लोग बोल सकते हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि हम तो भगवान के अस्तित्व विश्वास करते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तब हम उसको कैसे समझा सकते। तो आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत आसान तरीके बताए कैसे हम भगवान के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं, या आप जाकर के अपने मित्रों के सामने कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व। जैसे एक आचार्यों ने इस तरह से बताया है, जैसे हम देख रहे हैं ये टेबल है, क्या इसको किसी ने बनाया है या ये टेबल अपने आप अस्तित्व में आ गया, किसी ना किसी ने इसको बनाया है। यहाँ पर हम जो भी वस्तुएं देख रहे हैं अपने पास में, चाहे लाइट हो, ये माइक्रोफोन है, ये किताब है, मोबाइल है, ग्लास है, कोई भी चीज है, हर किसी को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है। क्या सभी इस बात को मानते हैं? ये फर्श है, ये दीवार है, अलमारियां, कोई भी चीज है, हर किसी चीज को बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति। तो यहां पर हम जितनी चीजें देख रहे हैं हर किसी को बनाने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहां पर हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, हमको किसने बनाया? क्या हमको बनाने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा? जब इस किताब को या इस टेबल को बनाने वाला हम नहीं मानेंगे कभी भी कि ये टेबल अपने आप से अस्तित्व में आ गया, किसी ने इसको बनाया नहीं, तो हम दो आंखों से देखने वाले, कानों से सुनने वाले, चलते फिरते जो प्राणी है, क्या हमको किसी ने नहीं बनाया होगा? तो हमको किसने बनाया? वो अगर हम मनुष्य के शरीर को देखें, बालों के रोग का इलाज करने वाला अलग डॉक्टर है, आंखों के लिए अलग डॉक्टर है, नाक कान गले के लिए अलग स्पेशलिस्ट है, दांतों के लिए अलग है, दिल के लिए अलग है, पेट के लिए अलग है, हड्डियों के लिए अलग है, हर एक शरीर के विशेष अंग के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। क्या अगर मेरे हड्डियों की प्रॉब्लम है तो क्या मैं दांत के डॉक्टर के पास जा सकता हूँ? या मेरी आंखों में समस्या है तो क्या मैं नाक कान गले के विशेषज्ञ के पास जा सकता हूँ? नहीं। तो एक विशेषज्ञ कई सालों तक, MBBS डिग्री, MD, हम सब जानते हैं कितना मुश्किल है प्राप्त करना, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद ये डिग्री प्राप्त करते पर क्या होता है, उसका केवल एक विशेष अंग का ही इलाज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे शरीर का कर। तो आप सोच सकते हैं कि शरीर का हर एक अंग कितना कितना बुद्धिमानी से बनाया गया है, कितनी विस्तृत उसकी संरचना है और कितना गहराई से अध्ययन लगेगा उसको समझने के लिए। तो कैसे हम ये साबित कर सकते हैं बहुत आसानी से कि अगर ये सब चीजों को बनाने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो हमें भी किसी ना किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया होगा, और वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? भगवान या ईश्वर। तो अब प्रश्न आ सकता है किसी के मन में कि नहीं, हम तो क्या हुआ कि गर्भ में माता पिता के माध्यम से हम उत्पन्न हो गए इस तरह से, हमको किसी ने, हमारी रचना नहीं कि हमको किसी ने बनाया नहीं। बाकी चीजें तो क्या है, फैक्ट्री में जो अलग अलग कर्मचारी हैं वो चीजों को मिलाते हैं और मिला करके किसी चीज को बनाते हैं, पर हम तो क्या है कि ये गर्भाधान का या जो ये पद्धति है इसके माध्यम से हमारे उत्पत्ति हो गई, हमें किसी ने बनाया नहीं। पर क्या ये बहुत तर्कसंगत बात है ऐसा बोलना? जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी हम देखते हैं, बजाज की गाड़ियां होती हैं, क्या बजाज की फैक्ट्री में ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे किसी ने लोहा, प्लास्टिक, कांच, ये सारी चीजों, रबर, ये सारी चीजों को मिला करके रख दिया एक तरफ? श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी विशाखा देवी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, पतित पावन श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रहलादेश्वर नृसिंह देव भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। तो क्या इस तरह से अगर कोई आपको बोले कि देखिए बजाज की फैक्ट्री में क्या सिस्टम है कि एक पर्दे के पीछे वो क्या करते हैं, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, रबर, ग्लास, ये सारी चीजें रख देते हैं, और उसके बाद जब वो पर्दे के पीछे से सामने आता है तो एक गाड़ी बन के निकल के आ जाता है, तो कौन हम में से इस बात पे विश्वास करेगा? कोई भी विश्वास नहीं। नहीं, ठीक है, ये सारे अवयव तो हैं, पर ये सारे अवयव जब तक एक बुद्धिमान व्यक्ति एक निश्चित तरह से, निश्चित पद्धति से जब तक इनको नहीं मिलाएगा तब तक कोई
गाड़ी बन करके नहीं आ सकती, ठीक है, प्लास्टिक है, लोहा है, स्टील है, सब कुछ आपके पास है, पर इनको जब तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति ठीक पद्धति से नहीं मिलाएगा तो गाड़ी नहीं बन सकती। तो इस तरह से शरीर के, माता के शरीर गर्भ के अंदर वो अव्यय हो सकते हैं एक साथ, पर जब तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति संरचना नहीं करेगा, हाँ, तो एक शिशु, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, आँखें इतना विस्तृत हैं, हाँ, कान, अलग अलग शरीर के जो अंग हैं, इतने वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरी आँखें आपकी आँखों से अलग होती या अलग तरह से कार्य कर रही होती, तो क्या होता, आँखों का डॉक्टर होता ही नहीं, क्योंकि वो जो डॉक्टरी में किताबों में पढ़ाई करता वो सबकी आँखों में अलग अलग तरह से लागू होता। तो एक तरह का विज्ञान पढ़ करके सबकी आँखों का इलाज करना संभव नहीं था। तो एक सिस्टम से ही सब चीज़ें बन रही हैं, हाँ, ये कोई यानी कहना चाहिए कि संयोग से चीज़ें नहीं हो रही, व्यवस्था से चीज़ें हो रही। तभी तो आँखों के विज्ञान को पढ़ करके डॉक्टर सभी की आँखों का इलाज कर सकता है, हाँ, ये समझ रहे हैं सभी अच्छे से। तो इससे हमको समझ में आता है, जैसे कि एक कंपनी में एक एक बहुत व्यवस्थित रूप से, विस्तृत रूप से, हाँ, ये गाड़ियों की रचना होती है, उस तरह से ही बहुत व्यवस्थित रूप से और विस्तृत रूप से हमारे शरीरों की भी रचना हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इसको बनाया है, हाँ, हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छा वो कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, कौन वैज्ञानिक है जिसने हमारी रचना की? क्या कोई वैज्ञानिक है जो 500 साल पहले हुआ था या 1000 साल पहले हुआ था जिसने हमको बनाया? तो एकमात्र संभावना क्या बचती, कि भगवान ने हमारी रचना की, हाँ। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन, हाँ, ये रचना हुई, सृष्टि हुई, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं। वास्तव में जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हाँ, चाहे हम भारत में देखें चाहे विदेशों में भी देखें, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सभी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते। जैसे हमारे भारत में अलग अलग आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, अलग अलग जो आचार्य हुए हैं, हाँ, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, अलग अलग संप्रदायों के आचार्य जो हैं, सभी ने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया है और उसी का प्रचार किया। इस तरह से यूरोप में, अमेरिका में बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी भगवान के अस्तित्व को माना। जैसे सर आइजेक न्यूटन जो, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, तो उनसे एक उनका जो मित्र था वो नास्तिक था बहुत बड़ा, तो उनकी आपस में वाद विवाद हुआ करता था, कि नास्तिक मित्र बोलता था नहीं भगवान का अस्तित्व नहीं, पर न्यूटन जो है वो बोलते थे नहीं भगवान का अस्तित्व है, इस तरह से उनका हमेशा वाद विवाद होता। तो एक बार न्यूटन को एक युक्ति सूझी कि इस तरह से मैं अपने मित्र को मना सकता हूं, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसका एक मॉडल बनवाया, हाँ, उसका एक जो मानचित्र, जिस तरह से एक मॉडल होता है, लाइव मॉडल 3D का, हाँ, उस तरह का एक मॉडल बनवाया, जिसमें उन्होंने एक अच्छी सुंदर टेबल बनवाई और उसमें अलग अलग ग्रह, हाँ, अलग अलग आकारों के गोले बनवाए जो कि ग्रहों को प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे सूर्य के लिए एक अलग गोला, पृथ्वी, अलग अलग ग्रहों के लिए इस तरह से गोले बनाए, और साथ में जो कक्ष होता है, जो ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, वो अलग अलग ऑर्बिट भी, और वो इतने सुंदर तरीके से बनाया गया था कि जैसे पृथ्वी का आकार सूर्य के आकार की तुलना में जितना है उसी हिसाब से उसको बनाया गया था, और पृथ्वी का जो कक्ष है उसका आकार, हाँ, जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात, मतलब जिसने बनाया था उसने बहुत बारीकी से उसको बनाया था। तो जब न्यूटन का ये नास्तिक मित्र वहां पर आया तो उसने आकर के क्या देखा, और इतना सुंदर मॉडल है, तो उसने बोला कि ये तुमको कहां से मिला, क्या मैं अपने लिए भी एक बनवा सकता हूं इस तरह का? तो न्यूटन ने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया कि वास्तव में ये सुबह सुबह मैंने उठकर देखा तो ये अपने आप ही मेरे घर में आ गया, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप ही आ गया इस तरह। तो उस मित्र को विश्वास नहीं हुआ, क्या हम विश्वास करेंगे कि कोई बोले कि एक टेबल है उसमें बहुत सुंदर तरीके से इतने सुंदर सुंदर गोले बने हुए हैं, हाँ, उसी अनुपात में उनके आकार हैं, इतने व्यवस्थित रूप से बना हुआ है, तो अपने आप कैसे आ जाएगा, किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। तो मित्र इस बात पर राजी नहीं हुआ कि नहीं नहीं ये अपने आप नहीं आया, आप नहीं बताना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं, एक अलग बात है, पर निश्चित रूप से किसी ना किसी ने बनाया।
तो न्यूटन ने बोला कि आप ये छोटी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक मॉडल जो कि वास्तविक सौर मंडल की एक नकल है, ना इस पृथ्वी में जीवन है, हाँ, ना ये पृथ्वी हवा में ऐसे ही घूम रही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो केवल एक मॉडल है उसका। आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बिना किसी के बनाए अपने आप इस तरह से आ गया, पर जो वास्तविक सौर मंडल है, जो वास्तविक पृथ्वी है जिसमें जीवन है, हाँ, वास्तविक सूर्य है जिसमें इतना प्रकाश है, इतनी ऊर्जा है, वो आप कैसे बोल सकते हैं कि बिना ईश्वर के बनाए अपने आप आ गए। तो उस नास्तिक मित्र को इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो, उसके हृदय पे बहुत असर पड़ा इस बात का, और वो मान गया इस बात को कि नहीं, निश्चित रूप से किसी ना किसी ने इसको बनाया। अगर हम देखें कितना आश्चर्यजनक है, वैज्ञानिकों ने पता किया है कि सूर्य से जो ऊष्मा आती है, जो ऊर्जा आती है, एक सेकंड में सूर्य जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा दे रहा है, वो मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी ऊर्जा का हमने उपयोग किया है, वो ऊर्जा सूर्य से एक सेकंड में जो ऊर्जा निकलती है उससे कम है। सोचिए इतनी ऊर्जा कहां से आई, इतनी ऊर्जा। मान लीजिए हम यहां पर बैठे हुए हैं, अचानक से कहीं से कोई पत्थर आता है और वो पत्थर आकर के यहां पर टेबल पर आकर गिरता है, हा? पीछे से एक पत्थर आ रहा है, टेबल पर आकर के गिरता है, तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसे ही पत्थर टेबल पर आके गिरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पीछे मुड़कर देखेंगे कहां से आया है, किसने फेंका, ऐसा होगा ना? जैसे ही पत्थर आकर के गिरेगा सभी एकदम से पीछे देखेंगे, हा? तो ऊर्जा जहां से, जैसे हमें ऊर्जा का आभास होता है, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में अगर इतनी ऊर्जा है तो उसका स्रोत क्या है, कौन इतनी ऊर्जा दे रहा है? अगर शक्ति है तो शक्तिमान कौन है, जिस शक्तिमान से इतनी शक्ति आ रही है, हा? तो निश्चित रूप से कोई ईश्वर है जो इतनी ऊर्जा, हाँ, इतनी संरचना, हाँ, इतनी व्यवस्था, ये सबकी सृष्टि कर रहे हैं। तो न्यूटन का जो मित्र है, तो उसको विश्वास हुआ कि हाँ, ये सौर मंडल में कितनी व्यवस्थित रूप से चीजें चल रही। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके पास समय बहुत कम है, आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है और 24 घंटे का समय बचा है, पर उस दिन जो दिन था वो 36 घंटे का हो गया, ऐसा कभी हुआ क्या? बहुत कम समय है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, कल बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, क्या करें, कैसे करें, अरे दिन 36 घंटे का हो गया, कोई समस्या नहीं है, ऐसा हुआ कभी? या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत जल्दी में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कम समय बचा है और एक दिन जो है वो 12 घंटे में ही, हाँ, या 6 घंटे में ही खत्म हो गया, जो 24 घंटे में होता है वो 6 घंटे, ऐसा हुआ क्या कभी? कितनी व्यवस्था से चीजें चल रही हैं, हाँ? अगर पृथ्वी को अपनी धुरी के, हाँ, जो सापेक्ष जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसको जितना समय लगता है 24 घंटे का, वो निश्चित है उतने ही 24 घंटे लग रहे हैं, हाँ? और सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करने में जो समय लग रहा है 365 दिन का, वो भी निश्चित है 365 दिन। तो इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है, सोचिए, हाँ? कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति 300 साल तक जी रहा है, मृत्यु उसको ले जाना भूल गई, उसकी मृत्यु नहीं आई, ऐसा कभी होता है? चीजें बहुत बहुत व्यवस्था से चल रही। तो जब व्यवस्था होती है तो इससे क्या पता चलता है? कोई ना कोई व्यवस्थापक है जो कि व्यवस्था को देख रहा है, तभी चीजें व्यवस्था से चल रही। तो इस तरह से एक साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान का वास्तव में अस्तित्व है, हा? अगर कोई व्यवस्थापक नहीं है तो हमारा प्रश्न ये हो सकता है उस नास्तिक व्यक्ति से जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, कि फिर ये व्यवस्थाएं कौन चला रहा है, कैसे चल रही है? क्या बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्था चल सकती है? हमारे यहां तो इतने व्यवस्थापक है फिर भी व्यवस्था नहीं चलती है। संसार में भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे में सबसे, हाँ, संसार की सबसे बड़ी एक संस्था है जिसमें संसार के सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाती है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं पूरे संसार में, इतनी बड़ी कोई संस्था नहीं, पर इतने व्यवस्थापकों के बाद भी क्या होता है, व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाती, गाड़ियां लेट हो जाती हैं, समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये, हाँ, बहुत ही व्यवहारिक बात है कि इतने व्यवस्थापकों के बाद भी व्यवस्था चलाना इतना आसान नहीं है, पर संसार में व्यवस्थाएं इतने अच्छे से चल रही हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई व्यवस्थापक। तो इस बारे में और भी बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है
कि जैसे एक पेड़ है, हाँ, एक बीज है, बीज के अंदर क्या छुपा हुआ है, एक पेड़, उस पेड़ में क्या होते हैं, बहुत सारे फल, हर एक फल के अंदर क्या है, बीज, और हर एक बीज से क्या आ सकता है, एक पेड़। तो इस तरह से आप देखिए कितनी व्यवस्थित, हाँ, संरचना है। किस तरह अगर मान लीजिए सैमसंग मोबाइल कंपनी है, इन लोगों को अगर ऐसी कोई व्यवस्था मिल जाए कि बस एक बीज बनाया जाए, वो बीज को वो लोग मिट्टी में डालें और उससे क्या हो, पूरा एक पेड़ आ जाए, उस पेड़ में बहुत सारे ऐसे मोबाइल आए, उस मोबाइल में बीज हो, वो बीज को निकाल करके फिर दे दे तो फिर बहुत सारे मोबाइल आ जाए, तो कितना आसान हो जाएगा। अभी कितनी जटिल व्यवस्था है जिससे कि एक मोबाइल बन करके निकलता है, हा? बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारा खर्चा है, बहुत उनको हेडेक लेना पड़ता है, बहुत सिरदर्द लेना पड़ता है कि ठीक तरह से बने, बहुत सारे पीस रिजेक्ट हो जाते हैं, सही तरह से नहीं बनते। तो हम देख सकते हैं कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके पीछे कोई ईश्वर है जो ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब अगर हम इस बात को जानते हैं तो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये हमको जानना चाहिए, हा? अगर ईश्वर का अस्तित्व है, अगर भगवान का अस्तित्व है, हा? जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ होना एक सीढ़ी है, तो उस सीढ़ी का अंतिम सोपान क्या है, हा? परम लक्ष्य क्या है, तो स्वस्थ होकर हम क्या कर सकते हैं, तो स्वस्थ होकर एक चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है तो हम उस ईश्वर की सेवा में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं, हा? तो भगवद गीता हमको क्या सिखाता है, भगवद गीता का, हा? जो योग की पद्धति वो क्या है कि जीवन के अंतिम समय में हमें भगवान को स्मरण करना है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और धीरे धीरे हम आगे के जो हम चर्चा करेंगे, आगे की बैठकों में इसको और व्यवस्थित रूप से इसकी चर्चा करेंगे, पर भगवद गीता के अनुसार जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, हा? यम यम वापी स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भावेता, हा? अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। तो जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना ये मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, हा? और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम जो, हाँ, तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। तो हमेशा अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा कि अंतिम समय में भी हम भगवान का स्मरण आसानी से कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि अगर हम अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे, अगर हम भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, उस तरह के लोगों का संग करेंगे जो कि भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, तो हम आसानी से भगवान को स्मरण कर सकते। भगवान का स्मरण करने से लाभ क्या होगा, भगवान का स्मरण करने से लाभ ये होगा कि हमारे हृदय की शुद्धि होगी, हाँ, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतरा सूची। अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो बाहर से अंदर से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अगर हमारा मन हृदय शुद्ध रहेगा तो हम आनंद अनुभव कर सकते हैं, हाँ? आनंद क्यों नहीं हमको मिलता अपने जीवन में, क्योंकि अंदर से शुद्ध नहीं, हाँ? आपस में संबंध मधुर नहीं रहते, बहुत सारी इस तरह की समस्याएं होती हैं जिसके कारण से कि हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, हाँ? तो इस तरह से इस्कॉन में बहुत सारे इस तरह के आयोजन होते हैं, जैसे भक्ति वृक्ष एक आयोजन है, भक्ति वृक्ष के माध्यम से सभी इस तरह से एक संघ में एक जगह पर इकट्ठा होकर के भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवद गीता के विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, किस तरह से इस विज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, कैसे भगवद गीता के ज्ञान का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में चर्चा होती, किस तरह से ध्यान कर सकते हैं, हाँ, ध्यान की सर्वोच्च पद्धति क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है भक्ति वृक्ष के माध्यम से चर्चा की जाती है। तो हमारा निवेदन है आपसे, विनम्र निवेदन है कि आप सभी जो विशेष रूप से पहली बार यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भक्तों से मिलें इस चर्चा के बाद में, और किस तरह से आप भक्ति वृक्ष कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हाँ, अलग अलग कार्यक्रमों से आप इस्कॉन के जुड़ सकते हैं, मंदिर में नियमित रूप से आएँ, दर्शन करें, अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लें, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से ला सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमें ये बहुत अच्छा संयोग मिला है कि भगवद गीता का ज्ञान जो है, हाँ,
घर घर में लोग व्यवहारिक रूप से इसका पालन अपने जीवन में कर पा रहे हैं, और ना केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में ये ज्ञान फैल रहा है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। लाखों से ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वो भगवद गीता के ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से इस्कॉन से युक्त होकर के अलग अलग कार्यक्रमों से जुड़ करके भगवद गीता के ज्ञान का अपने जीवन में लाभ लें। अगर इस सत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न है या कोई आपकी टिप्पणी है या कोई मंतव्य है तो अभी हम चर्चा कर सकते हैं अगले 5 मिनट या 10 मिनट में, और उसके बाद में फिर प्रीति भोज के लिए कूपन बांटे जाएंगे, और उसके बाद सामने प्रसाद का कक्ष है, प्रसाद हॉल है, वहाँ पर सभी प्रसाद के लिए जा सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न संशोधन या कोई टिप्पणी या मंतव्य है तो अभी हम चर्चा कर सकते हैं। तो माता जी और प्रभु जी की तरफ से अलग अलग कूपन कलेक्ट करने के लिए प्रभु जी की तरफ से हिज ग्रेस आनंद कंट्रो कृपया खड़े हो जाएं। पीछे प्रभु जी खड़े हैं, आप थोड़ा सामने आ जाएं आनंद कंट्रो। हाँ, तो आप में सभी एक एक करके हिज ग्रेस आनंद कंट प्रभु से जो प्रभु जी की तरफ में है वो कूपन ले सकते हैं। और माता जी की तरफ से कौन कूपन? धनश्री माता जी ये पीछे हैं, तो उनसे आप सभी माताएं कूपन ले सकते हैं। और प्रसाद के लिए तो प्रसाद हॉल में पीछे ये मंदिर के दाहिनी तरफ में, यहाँ से मंदिर से सीढ़ियों से निकल के जाएंगे, भक्त आपको वहाँ पे मार्गदर्शन देंगे, तो प्रसाद के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, प्रसाद का आनंद लें और इस कार्यक्रम में आए। इसके बारे में अगर कार्यक्रम को कैसे हम सुधार सकते हैं या इसके बारे में अगर आपके कोई किसी भी तरह का कोई फीडबैक है या कोई आपके विचार हैं तो वो निश्चित रूप से आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा चरण प्रभु की। हरे कृष्णा। मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो संडे स्पेशल प्रोग्राम है अगले सप्ताह भी यथावत